हेलो स्टूडेंट्स, पीएसपी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमल सिंह। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन। आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 6.1। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 6.1 में पहला क्वेश्चन दे रखा है, उसके चार पार्ट हैं। इसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है फिल इन दी ब्लैंक्स, दो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, आपको फिल करना है। इसमें मैंने इंट्रो की वीडियो में आपको बताया था, ये ऑल सर्कल्स आर, जो देखने में जिनकी शेप एक जैसी होती है वो क्या होते हैं, सिमिलर। शेप सिमिलर होगी तो सिमिलर हो जाएंगे, और अगर शेप और साइज दोनों सिमिलर होगा, मतलब कि उनकी साइड्स भी एक जैसी होंगी और एंगल भी एक जैसे होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो सर्कल क्या होते हैं, देखने में सारे एक जैसे होते हैं। आप एक रेडियस लेकर बनाओ, पांच रेडियस लेकर बनाओ, क्या होते हैं, देखने में सारे सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। तो सारे सर्कल आपके क्या होते हैं, सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर, देखो स्क्वायर्स की भी साइड एक जैसी होती है, एंगल 90 के होते हैं, एंगल सारे इक्वल हैं, तो साइड आपका जो स्क्वायर की शेप बनेगी कैसी बनेगी, सिमिलर बनेगी। सारे जो स्क्वायर होते हैं आपके वो भी कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, इक्विलेटरल, क्योंकि इसमें सारे एंगल कौन से होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। आइसोसेल्स में तो आपकी दो साइड इक्वल होती है बस, तो क्या हो जाएगा, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर, यहां पर आ जाएगा आपका इक्विलेटरल, ये सिमिलर होते हैं सारे। देखिए, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, दो पॉलीगन है सेम नंबर ऑफ साइड दे रखे हैं आपको, सिमिलर हैं। जैसे कि मान लो स्क्वायर दे रखा है, तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, एंगल तो देखो इक्वल होंगे ना, एंगल इक्वल होंगे और साइड किसमें होंगी, प्रोपोर्शन में, मैंने आपको इंट्रो की वीडियो में बताया था। तो कोई भी पॉलीगन है, सपोज करो आप जैसे एक स्क्वायर है आपके पास, स्क्वायर दे रखा है इसकी साइड एक है और दूसरा स्क्वायर दे रखा है उसकी साइड आपकी है थ्री, तो साइड्स का जब रेशो निकालेंगे आप, थ्री बाय वन, थ्री बाय वन, थ्री बाय वन, थ्री बाय वन, सब में थ्री आएगा, और एंगल क्या होंगे, सारे सारे एंगल होंगे आपके इक्वल, जैसे कि इसमें 90 डिग्री दे रखे हैं। तो यही कह रहा है ये, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, कब सिमिलर होते हैं, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, एंगल क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। एंड बी ऑप्शन है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, प्रपोर्शन में होंगी ये, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टू, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, तो सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल दे दो आप। एक एग्जाम्पल हो गया, जैसे आपने स्क्वायर का दे दिया, इस स्क्वायर की जो साइड है वो है थ्री, और एक और आपने एग्जाम्पल दे दिया, इसकी साइड है टू, ठीक है। तो पहला आपने एग्जाम्पल दे दिया स्क्वायर का, ये सिमिलर होंगे। दूसरा आपने एग्जाम्पल दे दिया सर्कल का, तो इसकी रेडियस सपोज करो दो है और इसकी रेडियस सपोज करो एक है, तो ये दूसरा एग्जाम्पल दे दिया आपने सर्कल का। आपको दो एग्जाम्पल लिखने थे सिमिलर डायग्राम के। अब नॉन सिमिलर का देखो, आपने आपने एक तो दे दिया रेक्टेंगल और एक आपने दे दिया पैरेललोग्राम, साइड इसकी दो है, दो ये पांच है, या फिर ये एक है और ये भी एक है, तो रेक्टेंगल हो गया। अभी आपका पैरेललोग्राम है, इसकी साइड आपकी दो है, ये भी दो है, ये एक है, ये एक है। देखो इसमें क्या है, नॉन सिमिलर में यही होता है ना कि साइड्स तो प्रोपोर्शन में होंगी, एंगल बराबर होंगे, एंगल इक्वल नहीं होंगे इनके, क्योंकि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के एंगल इक्वल नहीं होते। आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो, आपने एक ट्राइंगल दे दिया, दूसरा आपने दे दिया ट्रेपेजियम, ठीक है, एक ट्राइंगल दे दिया आपने, एक ट्रेपेजियम दे दिया, तो ये नॉन सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, स्टेट वेदर द क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। देखिए दो दे रखे हैं आपको क्वाड्रिलेटरल, एक तो पी क्यू आर एस और एक ए बी सी डी। तो देखिए इनके साइड्स का तो प्रोपोर्शन अगर हम निकालेंगे, ए बी अपॉन में पी क्यू टू आएगा, बी सी अपॉन में क्यू आर टू आएगा, सी डी अपॉन में एस आर टू आएगा, और ए डी अपॉन में पी क्यू पी एस आपका कितना आएगा, टू आएगा। तो यहां पर आप इसका अगर प्रोपोर्शन निकालेंगे तो इसका आपका टू आएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे देयर फोर पी क्यू आर एस एंड ए बी सी डी
आर नॉन सिमिलर बिकॉज ऑल साइड्स आर इन प्रपोर्शन बट ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल। साइड तो प्रपोर्शन में लेकिन एंगल इक्वल नहीं है, क्योंकि ये आपका रोमबस टाइप है तो इसके एंगल क्या होंगे, सारे एंगल इक्वल नहीं होंगे, बस अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 6.1 यहीं पर कंप्लीट होती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।